अखबार छे नेता आ लीडर केंद्र सरकार छे अखबार छे सवाल आदमी खून होता है मरता है हमारे तो कोई देखता है नहीं कोई नहीं देखला कोई देखने वाला नहीं है कोई नहीं आता कोई नहीं है अमन हुसैन हजारी मुर्दाबाद नीतीश कुमार मुर्दाबाद चक्का डूब चुका है अब जरा बताइए ये जो गिर जाएंगे टांग हाथ टूट जाएंगे इसका रिस्क कौन लेंगे देखिए किस मुसीबत में होकर ये जो बुलेरो देखिए पार कर रहे हैं आप जरा सोचिए देखिए पूरा जो है बुलेरो को देखिए आप लोग वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिस रोड इस रोड के टेंडर लिए हैं जिस रोड के जो रुपया लिए हैं जो अपने जमीन में भर के रख लिए लेकिन काम नहीं करता है उस तक वीडियो पहुँचाइए कि उसको शर्म आ सके इंतजार कर रहा है किरान कब आएंगे हम लोग को निकालेंगे अब जरा सोचिए क्या किसका इंतजार कर रहे हैं नेता के कि जेसीबी का हो जेसीबी का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों मैं हूं कुंदन शर्मा आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज नेटवर्क जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं हम किचन में आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं अभी जो है हम लोग हैं सती तो राजघाट मार्ग में मुख्य मार्ग यानी कि सोरबा चौक पंचपट्टी चौक पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो है 150-150 का रास्ता है ये देखिए कैसे आप देख पा रहे हैं बाइक का आधा चक्का डूब चुका है अब जरा बताइए ये जो गिर जाएंगे टांग हाथ टूट जाएंगे इसका रिस्क कौन लेंगे सर अच्छा आज रुक जाते हैं गिरने का डर भी लगता है हाँ गिरने का डर लगता है कई बार गिर गया गिर गया है गिर गया जोखिम भी होगा टांग हाथ टूट भी गया होगा बच्चा का टांग हाथ टूट गया अब जरा सोचिए इसका जिम्मेदार कौन लेगा जैसा कि एक बार कैमरा घुमा दीजिए देखिए कितना लोग का यानी कि यहाँ के लोगों का आवागमन में इतना परेशानी होता है यहाँ के कुछ लोग हैं और सबसे हम बातचीत करते हैं चाचा साइकिल से मोटरसाइकिल से जाते हैं डरो लगता है डर तो बहुत लगता है सर बहुत डर यहाँ जो आसपास में जो मतलब आते रहते हैं नेता सब विधायक सब रहते हैं सांसद उसको बोलते हैं नहीं है आप लोग बोलते हैं लेकिन वो अपना काम करवा कर को चला जाते अच्छा, आते हैं फोटो जी के चल जाते हैं बस इतना अब जरा सोचिए आते हैं विधायक सांसद जो भी है जो रोड के टेंडर लिए होते हैं वो आते हैं और फोटो जी का चल जाते हैं और कई बार जो है ये आप लोग जानते होंगे सोहरबा में एक पाल पुल जो टूटा था वो यही मार्ग है कि कई बार इस रोड में एक्सीडेंट भी हुआ है कई बार मतलब मौत भी हो चुका है इस रोड में जैसा कि आप जर्जर इतनी स्थिति आप देख पा रहे होंगे हम जो है कडई में आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं जाके उस नेता तक उसके कानों तक आवाज़ पहुँच सके कि कडई में आकर जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ के ग्रामीण लोगों को कितना परेशानियों को झेलना पड़ता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना जर्जर स्थिति हो चुका है आइए और इधर आइए थोड़ा पाँव धो लीजिएगा आइए ना देखिए अब आपको हम आगे जितना दूर लेकर चल जाएंगे ऐसा ही रोड आपको दिखने को मिलेगा अब जरा सोचिए अगर आप नेता है भैया आप गाड़ी से आते हैं फॉर्च्यूनर से चक्का से तो आइए इस पर आप चला कर देखिए कैसा इज्जत आपको मिलेगा सर यही दही लगा कर आपको चपेट देगा यहाँ के स्थानीय लोगों सर इतना आक्रोश में है यहाँ का स्थानीय लोगों सर यहाँ का स्थानीय लोग हैं उन सबसे हम बातचीत करते हैं लगने दीजिए भैया कोई दिक्कत नहीं है नेता को दिक्कत होबे नहीं करता हमारा कौन दिक्कत होगा सर देखिए आइए यहाँ के स्थानीय लोग हैं सबसे परेशानी होता है अच्छा भैया आप लोग का कितने परेशानी होता हो देखिए कितना परेशानी होता है कि सबके यानी कि इतना आक्रोश में है नेता को लेकर कि आते हैं खाली वोट लेकर चल जाते हैं जरा सोचिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो इस रोड के बारे में बात किए हैं इनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं आज आप जो कुछ यहाँ के रोड टेंडर है उन सबसे बात किए क्या कुछ बोला देखिए इस मुद्दा को लेकर कई बार हम लोग आवाज़ उठा चुके हैं और चूंकि संवेदक का जो मनमानी है वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है अच्छा। ये जो टेंडर है हाँ। वो 2 वर्षों से लगभग चल रहा है हाँ। लेकिन इस टेंडर का 25% काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है अच्छा। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है हाँ। जो कि यहाँ के जो भी संवेदक हैं उनसे भी हमारी बात हुई है हाँ। लेकिन वो बातों को सिर्फ सुन लेते हैं जैसे नेता वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं वैसे संवेदक भी गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं नहीं करते हैं अभी फिलहाल इस मुद्दा को लेकर इस पे डायवर्जन का जो प्रॉब्लम था वहाँ लाखों गाड़ी पास नहीं हो रहा था लाखों लोग अगर कोई मानिए इस इलाका का जो PHC है हाँ। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ जाने के बाद अगर कोई डिलीवरी पेशेंट है हाँ। तो उसको रास्ते में डिलीवरी हो जाए तो क्या वो संवेदक इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार रहेंगे उस चीज़ का जवाबदेही देंगे या नहीं देंगे अगर उन चीज़ों का जवाबदेही अगर वो नहीं देते हैं तो उन्हें चाहिए कि जो भी समस्याएं रोड में आ रही है उसको खत्म करें जल्द से जल्द खत्म करें उनके लिए उन्होंने मुंशी से हमारी बात हुई थी भैरव जी से उन्होंने आश्वासन दिया हाँ। और वो काम ठीक भी हुआ है पुल के बगल वाला काम हाँ। और इनसे लेकर भी हमारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात हुई है हाँ। वो बोले हैं कि हम 1 घंटा के अंदर आपको भेजते हैं वैसे हाँ। मुंशी हमें आश्वासन दिए हैं हाँ। कि आज 2 बजे तक हाँ। यहाँ का काम ठीक हो जाएगा हाँ। और जो भी प्रॉब्लम होगा हाँ। और जो भी अगर एक्स्ट्रा किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो कल तक हम सारा काम कर देंगे लेकिन
प्रॉब्लम ये नहीं है कि जब आपके पास समस्या आ जाती है तब आप सुनते हैं, लोगों को आंदोलन देखकर आप सुनते हैं। यही तो देखने को मिलता है, जब हो जाता है एक्सीडेंट तब नेता आता है, फोटो जिका कर चल जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लोग एक घंटा आधा घंटा से फंस कर बैठे हुए हैं, ये लोग किरान का इंतजार कर रहे हैं कब आएगा ये रास्ता ठीक होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसा मुसीबत में पड़ गया है। जरा सोचिए, यहाँ का स्थानीय लोग है, उन सबको इतना आक्रोश है, इन सब से हम बातचीत करते हैं कि भैया आप लोग कब तक ऐसे स्थिति में झेलते रहिएगा। अच्छा चाचा, ऐसे अहाँ सब कते दिन से ऐसे झेलत रहे? कते दिन से झेलत रहे? लौड़ा अखबार छे नेता लीडर, केंद्र सरकार से लौड़ा अखबार छे, खून होता है, मरता है, अमानत को कोई देखता है नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं है। लोग कितना मर गया है, कितना एक्सीडेंट हो गया है, कितना वो सब माइट में लटल है। जरा सोचिए, चचा इतने क्रोस में है कि नेतबों का गरिया देते हैं। देखिए, और कुछ बोलना चाहते चचा? कुछ नहीं। देखिए और भी है लोग सब, जैसा कि आप देख रहे हैं, सब देख रहे हैं टुकुर टुकुर कि भाई हम जाएंगे बाई चांस गिर जाएंगे तो मेरा टांग हाथ टूट जाएगा। यहाँ का स्थानीय लोगों से और चुप। चचा आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं चचा? अब कहते हैं जल्दी से जल्दी बन जा जाएंगे, आदमी दिक्कत हो रहा है। जल्दी जल्दी, आज तो बोला है मट्टी गिरा देंगे, अगर आज मट्टी नहीं गिराएंगे तो? ये आप ऐसे बार बार कहता है लेकिन कभी होता ही नहीं है। सिर्फ टेम्प्रोरी एक है, देख लीजिए, एक ये विकलांग है और किस हिसाब से? देखिए इधर आइए, इधर देखिए, ये देखिए इधर आइए, ये देखिए, ये विकलांग है तो भैया कैसे कैसे आएंगे? जरा सोचिए कितने परेशानी होता है। बहुत परेशानी होता है, इसका कादो का सामना करना पड़ता है, रिक्शा लेके जाते हैं उलट जाता है इसमें। अब जरा सोचिए, विकलांग को कौन हेल्प करने के लिए आएंगे? आप आएंगे खुद से? अब जरा सोचिए, ये भी तो वोट क्या बात। वीडियो साहब को कंप्लेंट किए तो बोला ठीक है हो जाएगा, वहाँ से मार के दबा के बहलाता है। अमन जी, अमन भूषण हजारी को क्या बार व्हाट्सएप किए वीडियो बना करके, डॉक्टर अशोक कुमार को क्या बार वीडियो बना कर भेजे, शुभम भी बोला ठीक है एक घंटा में जा रहा प्रशासन, अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अब जरा सोचिए, कल एक आदमी यहाँ बोलेरो आधा से ज्यादा उलट गया, अच्छा उसमें एक पेशेंट भी गिर गया, अच्छा उसको ले जाकर भागा जाफरपुर पीएससी में ले गए, भर्ती कराया गया, अच्छा उसका भी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। अच्छा, इतना बड़ा हादसा हो जाता है? जी, कल यहाँ ट्रक एक उल्टा हुआ था ट्रेलर, अच्छा उसको जेसीबी लाया, अच्छा कल चार चक्का एक कार भी लगा हुआ था, फंसा हुआ था तीन चार को, उसको भी खींचा रस्सी बांधकर। जरा सोचिए, अगर ये झूठ बोलता होगा तो अगर आप अभी खुद ही आइए आधा घंटा रुक कर देख लीजिए कि कैसे मुसीबत में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लोग इंतजार कर रहा है किरान कब आएंगे हम लोग को निकालेंगे। अब जरा सोचिए, क्या किसका इंतजार कर रहे हैं, नेता के जेसीबी का हो? जेसीबी का इंतजार कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, कथिल इसमें फंसा दिए हो? कीचड़ है रास्ता, ऐसे यही हाल है, ऐसे ही रास्ते सब लोग जाते जाते रहते जाते जाते रहते हैं। अब जरा सोचिए, कितने परेशानी में है ये लोग कि आधा घंटा से आप देख पा रहे हैं सब लाइन में लगे हुए हैं कि कब आएंगे मिट्टी करेंगे, ये जो रास्ता होगा अच्छा से बनेगा। इस पर आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उन सब से हम बातचीत करेंगे। जैसा कि हम खुद ही देखिए कितने कीचड़ में डूबकर जो है वीडियो बनाने के लिए आए हैं, जो वीडियो बनाने के लिए आए हैं कि उस नेता तक जो इस रोड के टेंडर लिए हैं उसके कानों तक उसके आँखों तक पहुँचे और अपने आप को शर्म करे कि भाई किस हालात में रहते हैं। जरा सोचिए, आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिस रोड इस रोड के टेंडर लिए हैं, जिस रोड के जो रुपया लिए हैं, जो अपने जमीन में भर के रख लिए लेकिन काम नहीं करता है, उस तक वीडियो पहुंचाइए कि उसको शर्म आ सके, शर्म आ सके। और यहाँ का स्थानीय डॉक्टर है, इसको कितना परेशानी होता है, इनको कितना परेशानी झेलना पड़ता है, इनसे हम बातचीत करते हैं, कितना परेशानी होता है डॉक्टर जी? जी मैं यहीं एडिशनल APSC बुचौली में पोस्टेड हूँ जी, हमें PSC में भी ड्यूटी है और यहाँ भी करना पड़ता है, तो मुझे रोज आना पड़ता है। तो यहाँ आने में कितनी दिक्कत होती है वो तो हम देख रहे हैं कि इस होके भी अगर कभी इस होके आना हुआ तो यहाँ भी अब ये बहुत बड़ा ये गड्ढा हो गया है, इसमें भी पास करना मुश्किल हो गया है, तो हमें कभी कभी बाइक छोड़ के वहीं से फिर पैदल आना पड़ता है, फिर पैदल जाना पड़ता है, वहाँ पेशेंटों की भीड़ रहती है, हमें खोजते रहते हैं, हमें भी दिक्कत होती है डिपार्टमेंट से जो डॉक्टर लेट आता है। तो मैं ये कहूँगा कि इस काम को जल्दी से इसको रास्ता कम से कम आने जाने लायक बनना चाहिए जो हम लोगों के लिए सुविधा है। जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख लिए कितना परेशानी झेलना, कि एक डॉक्टर है जो डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, जो पेशेंट को बचाने के लिए जो इमरजेंसी पर जाएंगे, सर कैसे पहुंचेंगे जल्दी इस हालात में? सर जरा सोचिए, डॉक्टर के लिए आने जाने के लिए इतना परेशानी होता है, क्या बोल रहे थे भैया?
बोले अभिलम्ब अमन भूषण हजारी जी को यहाँ बुलाया जाए, और जिसमें अमन भूषण हजारी आप जहाँ कहीं भी हो जल्द जल्द पंचवटी चौक पे तशरीफ लाए, क्योंकि यहाँ का जनता परेशान है और आप वोट ले लेते हैं घर में जाके सो जाते हैं, क्या हम लोग बेवकूफ है क्या? अच्छा, डर नहीं लगता आपको? बिल्कुल बहुत डर लगता है। इसमें अमन भूषण जी को जल्द जल्द बुलाया जाए, उसको कम से कम 10 गाड़ी टुकड़ा यहाँ पे दिलाया जाए अमन भूषण हजारी के उससे अध्यक्षता में। हाँ। नहीं आ रहे हैं तो अमन भूषण हजारी जी को नाम से नारा लगाया जाए यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। इतना आप लोग उतर गए हैं? हाँ, लगाइए। अमन भूषण हजारी मुर्दाबाद, अमन भूषण हजारी मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, अमन भूषण हजारी मुर्दाबाद। अगर हमारे आवाज आपको बुरा लगता है अमन भूषण हजारी जी, तो यहाँ पर आकर के देख लीजिए, क्योंकि हम लोगों को डेली यहाँ दिक्कत को सामना करना पड़ता है, और चार चक्का तीन चक्का इतनी पास होता ही नहीं है। देखिए अभी भी तो देखिए टेम्पू उलट जाएगा। अमन भूषण, सोचिए ये लोग नारा लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं काम नहीं हो रहा है, इसलिए तो नारा लगा रहा है सर। कहीं ना कहीं काम नहीं अच्छा से ढंग से हो रहा है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि देखिए ये बिलोड़ो जो है अभी पार करेंगे, कैसे पार करेंगे आप जरा सोचिए। ये देखिए किस मुसीबत में होकर ये जो बुलेरो देखिए पार कर रहे हैं, आप जरा सोचिए। देखिए पूरा जो है बुलेरो को देखिए, ये देख लीजिए, देखिए कितना जर्जर स्थिति है इस रोड का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रोड का हालात जो है, इतने गाड़ी जाम लग जाता है भाई, बाई चांस क्या हो जाए नहीं हो जाए जरा सोचिए। देखिए किस प्रकार से गाड़ी जो है, इस गाड़ी को जो है उस रास्ता में टेक कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। Thank you.